तो दोस्तों नया साल आ चुका है और 1 जनवरी 2020 से आपके जीवन से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में बदलाव हो रहा है, जैसे PF, बीमा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऐसे कई बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं 2020 से। तो आइए जानते हैं इन कुछ नियमों के बारे में जो कि बदल रहे हैं। तो पहला जो नियम है वो है नकदी को लेकर के, यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ATM से 10,000 रुपये से नकदी निकालने के नियम में बदलाव किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए OTP आवश्यक होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। दूसरा है, 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना आवश्यक था, लेकिन अब इसी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आप मार्च 2020 को पैन से आधार लिंक करवा सकते हैं। तीसरा है, 15 जनवरी के बाद NSA गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग आवश्यक होगा, यानी 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। फास्टैग नहीं हुआ तो 2 गुना टोल भरना पड़ सकता है। चौथा बदलाव है PF के बारे में, जो कर्मचारी भविष्य निधि फंड है, में नियमों में बदलाव हुआ है। अब कर्मचारी ही PF का अंशदान तय करेंगे। वे कंपनियां भी PF के दायरे में होंगी जहां 10 कर्मचारी हैं। पेंशन फंड से एक मुश्त पैसा निकालना जा सकेगा। अब बात करते हैं बीमे के विषय में। पांचवा जो है, IRDA ने चेंज किया है लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव। इसमें प्रीमियम महंगा होगा। LIC ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है। छठा, SBI ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया है। नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी रीसेट डेट भी 1 जनवरी है। अब बात करते हैं सातवां, ATM के बारे में। 31 दिसंबर तक पुराने डेबिट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक चिप वाले कार्ड से बदलना आवश्यक है। नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से नकदी नहीं निकाल पाएंगे। इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिससे ATM मशीन ग्राहक के डाटा को पहचान करती है। अब बात करते हैं आठवां, NEFT। 1 जनवरी 2020 से अब बैंकों में NEFT के जरिए लेन देन का शुल्क नहीं चुकाना होगा। NEFT भी अब हफ्ते के 7ों दिन 24 घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। नौवां, हॉलमार्क ज्वेलरी। सोने चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग आवश्यक होगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में 1 वर्ष तक की छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी। हॉलमार्किंग के कारण ज्वेलरी के दाम भी बढ़ सकते हैं। दसवां, हम बात करेंगे UPI पर लेन देन, यानी 1 जनवरी 2020 से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड और UPI QR कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यानी रुपए कार्ड और UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट शुल्क सरकार चुकाएगी। अब बात करते हैं GST के। तो GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए आधार के जरिए GST रजिस्ट्रेशन का फैसला लिया गया है। नई GST रिटर्न फाइलिंग प्रणाली 1 जनवरी 2020 से लागू होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ नियमों में बदलाव जो कि 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।